हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसी। इसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में देखेंगे दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है पार्ट वन है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोल सकते हैं दोस्तों ये स्टैटिक जीके का जो है सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों वो है DLR कहाँ की स्पेस एजेंसी है। जो DLR है दोस्तों वो जर्मनी की स्पेस एजेंसी की है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और DLR को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं जर्मन एरो स्पेस सेंटर भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जर्मनी है फ्रेंड्स। जर्मनी जो कोलोन शहर है वहीं पर इसका मुख्यालय है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो DLR कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जर्मनी की। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है वो है CNES कहाँ की स्पेस एजेंसी है। तो सही आंसर होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम CNES है। और ये जो CNES है इसका फुल फॉर्म है सेंटर नेशनल देतु देश स्पेटलेस। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, याद नहीं रखना, वैसे ये फ्रेंस भाषा है। और CNES का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और इसके पास दो जो है लॉन्च सेंटर हैं, एक टुलूज स्पेस सेंटर, एक गुआना स्पेस सेंटर। जो गुआना स्पेस सेंटर है फ्रेंड्स, ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फ्रांस स्पेस एजेंसी दोनों इसका प्रयोग में लेती है। जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी और इंडिया के साथ मिलकर काफ़ी काम करती है। इसरो जो गगनयान मिशन करेगा, इस मिशन में फ्रांस की स्पेस एजेंसी सपोर्ट कर रही है। इस मिशन में रसिया की स्पेस एजेंसी भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। गगनयान हमारा जो होगा पहला मिशन होगा स्पेस का दोस्तों। और दोस्तों आपको याद रखना, CNES और जो भारत के इसरो दोनों मिलके जो एक और मिशन में काम कर रही है जिसका नाम है मेघा ट्रॉपिक मिशन। मेघा ट्रॉपिक मिशन जो इसरो और CNES दोनों मिलके काम कर रही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, CNES ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है और CNES ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये चाइनीज स्पेस एजेंसी है। तो ये दोनों आपको कन्फ्यूज करेगा। तो CNES आपको याद रख लेना, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है और CNES ये कहाँ की फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है सुपारको। सुपारको कहाँ की स्पेस एजेंसी है? सुपारको जो है फ्रेंड्स वो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की है, आप सभी को पता होगा। आइए इसका जो फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेस एंड अपर एटमोसफियर रिसर्च कमीशन। जो स्पेस एंड अपर एटमोसफियर रिसर्च कमीशन सुपारको का फुल फॉर्म है। और ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कराची में। कराची आप सभी को पता होगा, कराची सिंध की कैपिटल भी है। और 1961 में स्थापित किया गया था। किसको? सुपारको को 1961 में स्थापित किया गया था। और इसके पास जो लॉन्च सेंटर है उसका नाम है सोन मियानी। सोन मियानी इसका लॉन्च सेंटर का नाम है। और पाकिस्तान का जो पहला उपग्रह था जो बनाया था किसने? सुपारको ने। बद्र फर्स्ट था। बद्र फर्स्ट बेसिकली सुपारको द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो दोस्तों जो 16 जुलाई 1990 को चीन के चिचेंग सैटेलाइट लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था दोस्तों? चीन के जो चिचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नहीं है बल्कि आप लोग जान लो, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ये जो है 22 देश मिलकर इसका जो निर्माण किया है। 22 देश सदस्य हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में। आप सभी को पता होगा दोस्तों ये जो है 1975 में स्थापित हुआ था। इसकी जो हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। तो आप सभी को याद रखना है। आगे जो एक ओरियन जो है, ओरियन अंतरिक्ष यान का निर्माण कर जो करने के लिए जो ESA और NASA दोनों मिलकर निर्माण कर रहा है एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम है दोस्तों ओरियन। ओरियन अंतरिक्ष यान ESA और NASA मिलकर इसका निर्माण कर रहा है। ये बहुत ही पावरफुल जो होगा, बहुत ही पावरफुल अंतरिक्ष यान होगा। ये वो जगह पर जाएगा जहाँ पर अभी तक मानव नहीं जा पहुँचा है। और जो Ariane 5 है फ्रेंड्स, Ariane 5 ये वही जो है लॉन्च व्हीकल है जिससे हम लोग 2020 में जो भारत का पहला मिशन था जिसका नाम था जी सेट 30, इसका जो हम लोग लॉन्च किए थे यहीं से लॉन्च किए थे। कहाँ से? गुआना जो अंतरिक्ष केंद्र है यहीं से, इसी के द्वारा लॉन्च व्हीकल यही था Ariane 5। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों वो है यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी की स्थापना कब हुआ है। तो 1 अप्रैल 2010 को यूनाइटेड किंगडम का जो UK का स्पेस एजेंसी का स्थापना हुआ है। और
जो यह यूनाइटेड किंगडम सरकार की एक कार्यकारी एजेंसी है जो यूनाइटेड किंगडम के नागरिक को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय स्वीडन में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। हमारा जो अगला सवाल है फ्रेंड्स, वो है CNSA कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये चाइनीज स्पेस एजेंसी है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, इसको जो स्थापित कब करा गया था। इसका स्थापित जो किया गया था तो 22 अप्रैल 1993 को इसके जो है स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है हेडियन जिला बीजिंग में स्थित है। और इसका कौन कौन से जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इसको जो लॉन्च करने वाले लॉन्च सेंटर हैं वो हैं ज्यूक वन सेटेलाइट लॉन्च सेंटर, और हो गया एक हो गया दोस्तों ताइवान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर, एक हो गया जीचेंग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर, ये भी चाइना के हैं। है नेविगेशन सिस्टम, उसका नाम है बेडो नेविगेशन सिस्टम, ये चाइना का है। और जो है दोस्तों, जैसे कि अमेरिका के पास GPS है, इंडिया के पास नेविक है, उसी तरह चाइना के पास बेडो नेविगेशन सिस्टम है। और ये जो तानवेन फर्स्ट जो मंगल ग्रह का मिशन है, और चेंगी है फ्रेंड्स, ये जो है मून का मिशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। हमारा जो अगला सवाल है वो है CSIRO कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है कैनबरा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसे 1916 में स्थापित किया गया था। और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी जो CSIRO कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी है, आप सभी को याद रखना है। जो अगला सवाल है वो है नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो बच्चा जानता होगा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म नासा का होता है दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म किसका है, नासा का, जो अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। आगे है फ्रेंड्स, नासा की जो स्थापना हुआ था 1998 में स्थापना हुआ था, जो अक्टूबर 1958 से नासा का संचालन जो शुरू हो गया था। आइए देख लेते हैं इसका जो मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय Washington DC है, जो कि USA की राजधानी भी है। नासा की उपलब्धियाँ की बात करें दोस्तों, वो सबसे बड़ी है नासा ओपोलो 11 था दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को चांद पर जो है इंसानों को उतारने वाला पहला जो नासा ही था। कौन कौन चांद पर गए थे दोस्तों, वो 3 आदमी गए थे। कौन कौन दोस्तों, एक था नील आर्मस्ट्रांग, ये है दोस्तों, क्योंकि ये जो नील आर्मस्ट्रांग जो था दोस्तों, ये चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे। और इसके साथ 2 गए थे, उसका नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम है एडविन एल्ड्रिन इसका नाम है। और इसका क्या नाम है दोस्तों, माइकल कॉलिंग्स हो गया, एडविन एल्ड्रिन और जो है नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर जो पहला कदम रखने वाले व्यक्ति बने थे। तो इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो चंद्रमा पर पहली बार जो कदम किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग सही आंसर आपको लगाना है। 20 जुलाई 1969 को ये हुआ था। नासा की जो दूसरा उपलब्धियाँ हैं दोस्तों, वो है वाइकिंग फर्स्ट, मंगल ग्रह पर उतरने और लाल ग्रह का पता लगाने के लिए पहला अंतरिक्ष यान था। और मानव रहित अंतरिक्ष यान 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर उतारा और अगले 6 वर्षों तक डेटा और वहां के फ़ोटो खींच के जो है पृथ्वी पर पहुंचा रहे थे। ये सारे ये देख सकते हैं, इसी तरह फ़ोटो वो खींच रहे थे और जो है वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे थे, जो वाइकिंग फर्स्ट था। लाल ग्रह का पता लगाने के लिए पहला यान था, ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। अगला है दोस्तों, वो है मार्स पाथ फाइंडर जो है दोस्तों, लाल ग्रह की भविष्य के अध्ययन के लिए दृश्य की स्थापना करते हुए 4 जुलाई 1997 को सफलतापूर्वक जो सोजर्नर रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। जो स्पेस शटल कोलम्बिया है, ये वो स्पेस शटल कोलम्बिया जिससे जो दोस्तों, इसी से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। किससे, स्पेस शटल कोलम्बिया द्वारा। 1 फरवरी 2003 को जब सफल शोध मिशन के बाद वो पृथ्वी में वापस आ रहे थे, तो स्पेस शटल कोलम्बिया में आग लग गई थी। कल्पना चावला और उनके जो क्रू मेंबर्स थे, जो टोटल ये लोग 7 गए थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों बेसिकली होता क्या है, ये है पृथ्वी जो जाता है स्पेस में, कहाँ पर जाता है, स्पेस में, पहले इस पर जो है चक्कर लगाता है, उसके बाद स्पेस में चला जाता है।
तो स्पेस में क्या होता है दोस्तों, वैक्यूम होता है, और पृथ्वी में क्या होता है एटमोसफियर, एटमोसफियर पृथ्वी में होता है और स्पेस में क्या होता है वैक्यूम। तो जब वो जाने के समय कुछ नहीं होता, जब वो धरती पे वापस लौटता है चक्कर लगा के, तो दोस्तों धरती पे जब वापस लौटते वक्त बहुत ही डेंजर होता है, क्योंकि धरती पे एटमॉस्फेयर होता है और हवा का प्रेशर होता है, जिससे टेंशन यानी कि फ्रैक्शन क्रिएट होता है, इस फ्रैक्शन से आग लग सकती है। तो यही हुआ था स्पेस शटल कोलंबिया में, इसी तरह फ्रैक्शन हुआ और इसी फ्रैक्शन से आग लग गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। आइए देख लेते हैं नासा की लॉन्च साइट। नासा की जो लॉन्च साइट है फ्रेंड्स, वो है कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, जो कि फ्लोरिडा में स्थित है, और वेंडेनबर्ग जो है स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया, ये कहाँ पर है कैलिफोर्निया में। जो कैनेडी स्पेस सेंटर है ये कहाँ पर है, ये भी फ्लोरिडा में है, और बैकानूर कॉस्मोड्रोम जो है ये दक्षिणी कजाकिस्तान में है। और बैकानूर कॉस्मोड्रोम जो है दोस्तों, ये रसिया और अमेरिका दोनों प्रयोग करता है, और रसिया इसको जो किराए पर रसिया को दे दिया, अमेरिका इसको रसिया को किराए पर दे दिया है, और दोनों मिलके इसका प्रयोग करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। आप सभी को पता होनी चाहिए दोस्तों, दूरबीन जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च किया गया था, जो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है जो कि 25 अगस्त 2003 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये अभी बंद कर दिया गया। लगभग इन्होंने 16 साल तक सेवाएं दी, लगभग 20 के आसपास इसको बंद कर दिया गया था, जो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है। और ये चंद्रा एक्सरे वेधशाला जो 23 जुलाई 1999 को शुरू हुआ था, और ये किसी भी ब्रह्मांड से एक्सरे आ रही है उसी का पता लगाती है ये चंद्रा एक्सरे वेधशाला। जो फर्मी गामा एक्सरे टेलीस्कोप जो है, फर्मी गामा एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप जो 11 जून 2008 को लॉन्च किया गया था, और नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जिसे डब्लू फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक आगामी स्केप टेलीस्कोप है, इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जिसे 31 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों, वो है इजराइल स्पेस एजेंसी की स्थापना कब हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 को इजराइल स्पेस एजेंसी की स्थापना हुआ था। दोस्तों इस स्पेस एजेंसी की स्थापना जो भौतिकी विज्ञानी जो थे यूवल नीलम ने की थी 1983 में, और इसका मुख्यालय तेल अवीव जो कि इजराइल में स्थित है। फ्रेंड्स आइए समझ लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें पाँच देश भाग लेने वाले अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। वो कौन कौन से एजेंसी हैं दोस्तों, ये पांच जो है एजेंसी मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो है स्थापना किया है। वो कौन कौन है दोस्तों, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, रोसकोस्मोस जो कि रसिया की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है, और इसकी जो है स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये टोक्यो में है। और ESA यूरोपियन जो है स्पेस एजेंसी है, CSA जो कनाडा की स्पेस एजेंसी है। तो ये पांचों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो है स्थापना किया है। जो स्टेशन एक माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जिसमें खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकी और अन्य अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, उसके बारे में जानकारियाँ देता है दोस्तों। ये जो दो सवाल हैं दोस्तों, ये दो सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो कौन कौन से सवाल हैं, भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है और रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो।